अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स की वजह से दुनिया में विवादों में घिरा रहने वाला देश उत्तर कोरिया एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। जी हाँ, उत्तर कोरिया ने इस बार एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसके बाद दुनिया के तमाम देश हैरान है। आखिर सब सोच रहे हैं कि आखिर उत्तर कोरिया चाहता क्या है, उत्तर कोरिया इतने मिसाइलों का परीक्षण कर क्या दिखाना चाहता है, क्या वो दुनिया के उन तमाम बड़े देशों को ये दिखाना चाहता है कि उनका जो प्रमुख शहर है उत्तर कोरिया के निशाने पर है। कई सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब आज इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इस खबर की। दरअसल ये जो खबर है कि उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल का परीक्षण किया है, इसकी जानकारी जापान और दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक में दक्षिण कोरियाई सरकार ने उत्तर कोरिया द्वारा छोटी दूरी की मिसाइल का परीक्षण किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया। इससे पहले दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा था, उत्तर कोरिया के उत्तरी जगंग प्रांत से लागी गई एक वस्तु पूर्वी समुद्र की ओर गई। वहीं अमेरिकी हिंद प्रशांत कमान ने एक बयान में कहा कि परीक्षण अमेरिकी कर्मियों, क्षेत्र या हमारे सहयोगियों के लिए तत्काल खतरा पैदा नहीं करता है, लेकिन यह मिसाइल परीक्षण उत्तर कोरिया के अवैध हथियार कार्यक्रम के अस्थिरकारी प्रभाव को उजागर करता है। दक्षिण कोरिया और जापान की रक्षा के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता कायम रहेगी। दक्षिण कोरिया और अमेरिकी अधिकारी परीक्षण के विवरण का अभी विश्लेषण कर रहे हैं। वहीं जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने जिसका प्रक्षेपण किया है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है और उनकी सरकार ने सतर्कता एवं निगरानी कड़ी कर दी है। किसी प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक गतिविधियों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध का उल्लंघन होगा, लेकिन परिषद आमतौर पर कम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षण को लेकर उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध नहीं लगाती है। इस बीच उत्तर कोरिया ने करीब 6 महीने बाद इस तरह के जो है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का परीक्षण वापस से शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि जो दोनों देश हैं, दक्षिण कोरिया और जापान में, वहां पर अमेरिका के 80,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। और इसको देखते हुए उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने पिछले सप्ताह कहा था कि दक्षिण कोरिया अगर शत्रुतापूर्ण नीतियां छोड़ देता है तो उनका देश उससे फिर से बातचीत शुरू करने को तैयार है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के सत्ता संभालने के बाद ये चौथा उत्तर कोरिया का परीक्षण है। इससे पहले जो सबसे पहला परीक्षण था वो फरवरी में हुआ था और इसी महीने आपको बता दें कि दो और परीक्षण उत्तर कोरिया ने किए थे। एक परीक्षण था मिसाइल का और दूसरा जो था वो था ट्रेन से मिसाइल दागने वाला जो परीक्षण था। इसके बाद ये चौथा परीक्षण है और अब कहा जा रहा है कि जैसा ट्रंप प्रशासन में हुआ था कि जो तनाव बढ़ गया था अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच, वैसा ही तनाव जो बाइडेन की सरकार के साथ हो सकता है।